मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह के बज चुके हैं 7:15 करीबन। बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा वाला हो रहा है और मैंने कैप नहीं पहनी, मैं ऐसे उठ के बाहर आ गई। एक्चुअली मैं मनराज के लिए दूध गर्म करने आई थी, तो मैंने कहा चलो पहले ही सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मनराज का दूध गर्म करती हूँ। तो दिखाती हूँ बाहर का वेदर कैसा है। ठंडा ठंडा हो रहा है सारा। ये देखो, ये सुबह सुबह निकले हैं सैर के लिए। क्या चलिए और भी आ गए, ये इन्हें ठंड नहीं लग रही। देख सकते हो मौसम कितना, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ठंडी वाला है आज तो। डेली होता है ठंडी ठंडी वाला, पर पता नहीं आज मुझे लग रहा है ज़्यादा ठंडी, क्योंकि मैं इस टाइम तक बाहर नहीं निकलती हूँ, कब निकलती हूँ, बहुत कम निकलती हूँ। तो अभी ठंडा ठंडा हो रहा है, सुबह सुबह अच्छा लगता है, बाहर निकलो, यहाँ वहाँ जाओ, और सबसे ज़्यादा गाँव में बहुत मज़ा आता है। नहीं, सुबह सुबह इस तरीके से ठंडी हो, चूल्हे पे चाय रखी हो, गरम गरम चाय मिले, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। क्या चूल्हा तो नहीं है, गैस है, तो गैस पे चाय बनाते हैं। किस करके गुस्सा है, हैं? इसको बोलो। एक मिनट, किस करके गुस्सा है, हैं? कुछ आ गया। अब ये कौन कर रहा है बताओ, तुम्हारे पापा को है? मैं कुछ पूछ रही हूँ मनराज। किस खुशी में उसकी इतनी पिटाई हो रही है, हैं लट्टू? कुछ ज्यादा ही, देखो 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 देखो, दूध की बोतल भी यहाँ फेंकी हुई है। आए भगवान, किस खुशी में इतनी पिटाई, क्यों? अब बोतल पहना दे, तुझने पहन लिया। ये देखो, ये खड़ी कर दे, लगनी नहीं हम लोगों के हैं, हम लोगों के नहीं लगती। हाय रब्बा, अब ऐसे मारेगा? अब बताओ पापा को फोन करके। लाला जी क्यों गुस्सा हो इतना? क्यों इतना गुस्सा हो, हैं? आज चूहे हमले तो बंद नहीं करे? देखे उम्मीद चूहे वास्ते प्यार। मुंह तो दिखा अपना, अरे लड़के देखा, यही तेरा दिख रहा है, यही 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 दिख रहा है। आए गुड मॉर्निंग, हाय जी गुड मॉर्निंग, गई बाड़ में, गुड मॉर्निंग तुम्हारी। तो गुस्सा देखो इन कितना चढ़िया, आए आए आए। स्टार्ट करता गड्डी तो मारिया
टाइम शाम हो गई है, मैं सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था और अब मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। सॉरी यार, एक्चुअली पता क्या, थोड़ा ठंड की वजह से और मम्मी से बात बात करने लग गई और चीज़ें होने बातें बातें करने लग गई, मतलब ठंड की वजह से हम पूरी तरीके से बिज़ी थे, घुस के बैठ गए कंबल में फटाफट से, तो इस वजह से हम बिजी हो गए। मैं फिर अब बाहर आके खड़ी होगी, अंदर थोड़ा मन नहीं लग रहा। सर्दी में थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना, तो मतलब हम जैसे गर्म चीज़ें खाते पीते रहते हैं तो शायद मन थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो इसी वजह से मेरे को भी अजीब सा हो रहा है थोड़ा। और बाहर भी मौसम काफ़ी हद तक साफ है, दिखाती हूँ आपको। तो काफ़ी हद तक साफ है फिलहाल। एक सेकेंड में तुम्हें आपको मैं आप लोगों को एक डॉग दिखा, कितना क्यूट है वो, बच्चे बहुत प्यार से खेलते हैं इसके साथ। सोचा था कि मैं ना थोड़ी कटिंग करवा लूँ और आईब्रो वगैरह बनवा लूँ, अपर लिप बनवा लूँ, काफ़ी दिन हो गए नहीं करवाया मैंने कुछ भी, तो सिस्टर से थोड़ा सा करवा लेती हूँ क्योंकि मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं ऐसे सिस्टर से ही करवाती हूँ हमेशा। और जब करवा चौथ था ना, शायद मैंने तभी करवाया था, उसके बाद लिपस्टिक, तो उसके बाद मैंने फ़िलहाल नहीं करवाया अभी तक। कपड़े नहीं सूखते यार सर्दी में, तो दो दिन से ऐसे ही पड़े हुए। तो करवा चौथ था तभी मैंने करवाया था, उसके बाद मैंने नहीं कुछ भी करवाया। तो अभी सोच रही थी, मैंने कहा चलो देखती हूँ कि करवाती हूँ थोड़ा सा कटिंग वटिंग करवाती हूँ नहीं करवाती, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या कर रही हूँ। तो फिलहाल वैसे ही बहुत दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट किया ना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पहले करूँ क्या बाद में करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सही में। और मेरी अगर वॉइस थोड़ी सी धीरे लग रही है तो वो इसलिए लग रही है, पहली बात तो मैंने हैंड फ्री लगाई और दूसरा मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। और बाहर का व्यू है तो बाहर में तो फिर आपको इधर उधर की आवाज़ें ज़्यादा ही आ रही होंगी थोड़ा, तो इसलिए भी। और मनराज अंदर नानी के साथ सो रहा है, थोड़ा सा आराम कर रहा है क्योंकि उसको आज थोड़ा सा हो गया जुकाम। कल महारथी जो है बार बार अपनी कैप उतार रहे थे, बार बार सॉक्स उतार रहे थे, इससे उसको थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ा सा इतना सा जुकाम हो गया फ़िलहाल। सुबह काफ़ी था, मतलब काफ़ी मींस काफ़ी छींक रहा था, अभी फ़िलहाल ठीक है। तो अभी उसको ज़बरदस्ती हम लोग सुला चुके हैं, तो अभी उठेगा तो फिर दिखाते हैं। और उससे पहले आप लोगों ने देख ही लिया कि वो कितनी मस्ती करता है आजकल, और जो इससे पहले मैंने व्लॉग दिखाए थे उसमें भी आपने देखा था कि वो कितना शरारती हो गया है, वो पहले से बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा तो इतना ज़्यादा करता है कि मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने लग गया है। और अभी भी आपने देखा है कि नानी को उसने कितनी तरीके से बुरी तरीके से पीटा है, मैं डांटती हूँ पर वो समझता ही नहीं है। अभी से नहीं डांटूंगी तो यार उसका हाथ खुल जाएगा, मेरे को तो यही डर है बार बार कि उसका हाथ ना खुल जाए, हर किसी पे हाथ ना उठाए, तो इस वजह से थोड़ा सा। खैर बातें बहुत होगी, थोड़ा सा डॉगी दिखा देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और टाइम हो रहा है 10:30,
हाँ 10:30 ही हो रहे हैं, मैंने टाइम नहीं ध्यान दिया था, 10:30 हो रहे हैं। तो डिनर की हो रही है तैयारी और मैंने स्कार्फ बांधा तो मेरे हो रही है सर में बहुत तेज की दर्द, तो ये मनराज की वजह से। ये देखो मेरे बाल इधर से उधर उधर से उधर बिखरे पड़े हैं। और मेरी बहन बना रही है आलू के पराठे, तो चलो दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, अंदर बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, तो हम चलते हैं पराठे खाने, डिनर करते हैं आलू के पराठे का। आप भी आ जाओ, आप भी, आप लोग भी खाओ साथ में हम लोगों के गर्मा गर्म पराठे। तो फिलहाल ये व्लॉग में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोशिश करूँगी और अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँ। और हाँ, सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, मैं तो भूल ही गई, सुबह से पहुँच रही हूँ लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तो कहना ही भूल गई मैं, सॉरी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।